नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। निलंबित हुए एएसआई रामेश्वर मीणा फिर बहाल, जांच में सभी तथ्य मिले एएसआई मीणा के पक्ष में। सुदर्शन सिंह रावत की जिद के बाद किया गया सस्पेंड। पुलिस के तीन जवानों को समाज का तुगलकी फरमान, हुक्का पानी किया बंद, शिकायत पर समाज पदाधिकारियों पर किया मुकदमा दर्ज। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सवीना सब्सिडी सेंटर स्थित नाले में मिला भ्रूण, क्षेत्र में फैली सनसनी, मामला हुआ दर्ज। सटोरियों को साइफन चौराहे से किया गिरफ्तार, सटोरियों के विरुद्ध चल रहा अभियान। चौराहे से फतेहपुरा तक पुलिस ने निकाला सटोरियों का जुलूस। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल का दूसरा दिन, मांझी के घाट और फतेह सागर की पाल पर भारतीय पॉप और फ्यूजन बैंड ने मचाई धूम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निलंबित हुए एएसआई मीणा हुए बहाल की। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कल निलंबित किए सहायक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर मीणा को आदेश जारी कर फिर से बहाल कर दिया है। इस आदेश के बाद से ही जिले भर के पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि कल भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत 40 से 50 लोगों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात एएसआई रामेश्वर मीणा ने सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए 5 से ज्यादा लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं जाने की बात कही। इस विवाद के तुल पकड़ने पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कलेक्टर के सामने धमकी दी कि जब तक रामेश्वर मीणा को सस्पेंड नहीं किया जाएगा वह कलेक्टर चैम्बर में ही खड़े रहेंगे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच होने तक एएसआई रामेश्वर मीणा को सस्पेंड कर दिया। पुलिस जांच में रामेश्वर मीणा के खिलाफ ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने विधायक के साथ कोई अभद्रता की है। ऐसे में 24 घंटे से भी कम समय में आदेश जारी कर रामेश्वर मीणा को फिर से बहाल कर दिया है, जिसके बाद से ही पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। एक समाज ने जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हुए उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। मामला उदयपुर खड़ग क्षेत्र सालवी बुनकर समाज से जुड़ा हुआ है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके पदाधिकारियों ने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इनसे बोलचाल या किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई रखता है तो उसे भी समाज से बहिष्कृत करते हुए आर्थिक दंड दिया जाएगा। इसके बाद से इनके परिवार से समाज के लोगों ने दूरी बना ली। पीड़ित पुलिस जवानों ने इसकी शिकायत एसपी को की तो समाज के पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार पुलिस जवान मीरा कुमार सालवी निवासी कारछा खिरवाड़ा और उनके पुलिस कर्मी पुत्र मुकेश सालवी, कमलेश सालवी सहित पीड़ित लालूराम सालवी ने एसपी को शिकायत की, जिसमें बताया कि खड़ग क्षेत्र सालवी समाज संस्था खेरवाड़ा के रजिस्टर्ड अध्यक्ष हीरालाल सालवी निवासी छाणी, कार्यवाहक अध्यक्ष अमृतलाल पन्नाजी सालवी निवासी फूटाला, कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन नाथुलाल पोछाला निवासी पहाड़ा आदि प्रमुख हैं जिनके खिलाफ शिकायत है। एसपी के निर्देश के बाद खेरवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके पदाधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप पर पहले एक मैसेज वायरल करके समाज की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पुलिस के जवान और इनके परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हुए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इस मामले में कुछ लोगों द्वारा इन्हें वापस समाज से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या परिवार को समाज से बहिष्कृत करना उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है।
पुलिस जवान के परिवार द्वारा निवेदन करने पर भी उन्हें नहीं स्वीकारा गया। मजबूरन फिर इस परिवार ने एसपी को शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मामला उदयपुर के खेरवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर मीरा कुमार करके जो व्यक्ति है वह पुलिस विभाग में कार्यरत है और उनके दोनों ही बेटे जो है वह भी राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उदयपुर खड़क समाज सालवी बुनकर समाज द्वारा निजी जमीन विवाद के चलते हुए इस पुलिसकर्मी परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया और इनका हुक्का पानी बंद कर दिया और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जो भी व्यक्ति इनके साथ सामाजिक संव्यवहार रखेगा, अपने घर के कार्यक्रमों में बुलाएगा या इनसे बातचीत करेगा तो उनको भी समाज से पृथक कर दिया जाएगा, साथ ही उन पर आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा। 21वीं सदी में जहां व्यक्ति जी रहे हैं वहां मूल अधिकारों के साथ फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान ने दिए है उनका खुले रूप से उल्लंघन किया जा रहा है समाज के इन तुगलकी पंचों द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को ही जो कि आज की तारीख में अपनी सेवाएं 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, यदि उनके साथ ही ऐसी घटनाएं कारित हो रही है तो खुले रूप से यह कहा जाता है कि कानून का खौफ ही नहीं है। चूंकि परिवार के सभी लोग पुलिसकर्मी थे, वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में उनको पुलिस की शरण लेनी पड़े, इसीलिए उन्होंने विधिक नोटिस भी प्रेषित किया और कई मान मनुहार किए कि हमें समाज की मुख्य धारा में वापस सम्मिलित कर लिया जाए क्योंकि हम नारकीय जीवन जी रहे हैं। लेकिन आखिर समाज के तुगलकी पंचों ने इनकी बात को नहीं माना और विधिक नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसी अवस्था में मजबूरन इन तीनों पुलिस जवानों को और इसके साथ एक और व्यक्ति इसको समाज से बाहर निकाला गया था, इन्होंने पुलिस कप्तान की शरण ली, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, जिन्होंने सोशल बॉयकॉट के मामले में त्वरित संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर पुलिस थाना खेरवाड़ा में दर्ज हुई है। उदयपुर के हिरणमंगी थाना क्षेत्र के सवीना सब सिटी सेंटर स्थित नाले में भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नाले के पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने सुबह नाले में भ्रूण देखा, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना हिरणमंगी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को नाले से निकलवा कर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। यह पहला मामला नहीं है जब शहर में इस तरह से भ्रूण मिला पड़ा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ऐसे में शहर वासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह कहीं पर भी भ्रूण फेंकना, इस तरह की हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होनी चाहिए। वहीं थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सटोरियों के खिलाफ डीएससी टीम और अंबामाता थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से भी अधिक सटोरियों को साइफन चौराहे पर जुआ सट्टा खेलते गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश में डीएससी टीम और उदयपुर के अलग अलग थाना पुलिस द्वारा सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बीएसपी की ओर से अंबामाता थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से भी अधिक सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साइफन चौराहे से लेकर फतेहपुरा चौकी तक जुलूस निकाला गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बने नए भवनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम व सांसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय छात्रावास के पास बने भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी जोशी, विशिष्ट अतिथि गुलाबचंद कटारिया, रघुवीर सिंह मीणा और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी द्वारा किया गया। प्रबंधक अध्ययन संकाय विभाग के निदेशक प्रोफेसर हनुमान प्रसाद ने बताया कि नए निर्मित सेमिनार हॉल में सांसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मुगल काल में सांसदीय परंपराओं पर कुठाराघात किया गया और ब्रिटिश युग में पुनः संसदीय संस्थाओं को जीवनदान देकर भारत में संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत की गई। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस संसदीय व्यवस्था की परिकल्पना भारत में की थी वह निरंतर कुछ समस्याओं से ग्रस्त है। सामाजिक व आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, अलगाववाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार जैसी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि संसदीय लोकतंत्र में मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों का समाधान निकाला जा सके और संसदीय लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य का आधार अभी से भारतवासी मिलकर तैयार करें। मैं हूं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, निदेशक प्रबंध अध्ययन संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज प्रबंध अध्ययन संकाय के सेमिनार हॉल का उद्घाटन है और उस सेमिनार हॉल में ही एक दिवसीय सेमिनार रखी गई है, जिस सेमिनार का विषय संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां रखा गया है। अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम के ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के उदयपुर मंडल का मंडल स्तरीय अधिवेशन और एक दिवसीय कार्यशाला शनिवार को आयोजित की गई। इसमें उदयपुर मंडल की सभी शाखाओं के ओबीसी वर्ग के कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस संगठन में ओबीसी वर्ग के सभी कर्मचारी चाहे किसी भी पद पर है सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश में ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो फायदे मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए अधिवेशन के माध्यम से ओबीसी वर्ग को मजबूत करने के साथ अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों से निगम में केंद्रीय कार्यालय में लायजन मीटिंग, इसमें पहले 5 और बाद में 8 सदस्यों की सहभागिता, वेलफेयर सेल की स्थापना, रिक्रूटमेंट, साक्षात्कार पैनल में ओबीसी वर्ग के अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, पूर्व परीक्षण, ओबीसी हेतु ग्रीवेंस रजिस्टर, ओबीसी हेतु जोनल लाइजनिंग ऑफिसर जैसे कार्य करवाकर संगठन के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय पदाधिकारियों ने बाहर से आए अतिथियों का स्वागत किया। आज उदयपुर में हम लोग यहाँ उदयपुर मंडल की अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के मंडलीय अधिवेशन और एक कार्यशाला के लिए एकत्रित हुए। आज के समय में हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हमारे समाज की, पिछड़े समाज की, संपूर्ण भारतवर्ष में महती आवश्यकता है। हम यहाँ मंडलीय अधिवेशन में उदयपुर मंडल में यहाँ पधारे हुए उदयपुर मंडल के दूर दराज से हमारे निगम के कर्मी जो कि इसके सदस्य हैं, हम सबके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है कि हम समाज को जागरूक करें और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए उनको तैयार करें जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके। इस उद्देश्य के साथ आज हम यहाँ पे एकत्रित। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र के शनि देव के मंदिर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार के दिन भगवान शनि देव का दिन होने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी शनि देव के दरबार में पहुंचकर तेल प्रसाद के चरणों में तेल प्रसाद चढ़ाया गया और शनि देव मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की गई। साथ ही मंत्री ने 9 ग्रह देवता के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ में पूर्व मंत्री यूडीए मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी पाल आदि साथ में थे। कोरोना के बाद पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और मानव स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए, इसी उद्देश्य को लेकर राजसमंद जिले में पहली बार पर्यावरण सतत विकास एवं मानव स्वास्थ्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय में 2 दिनों तक विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा की और 350 से अधिक शोध पत्र पेश किए। समापन सत्र में राज्यपाल पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपना उद्बोधन दिया। आयोजन सचिव डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में पहली बार 3 राजकीय कॉलेजों के द्वारा यह संयुक्त कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ स्थित महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय और सीकर स्थित राजकीय महाविद्यालय साइंस के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 800 से ज्यादा शोधकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं विदेशों से भी 5 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से वैज्ञानिक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोध विद्यार्थी और उच्च शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों ने शिरकत की। संगोष्ठी में शिरकत करने आए सीकर कॉलेज के भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि संगोष्ठी से
पर्यावरण संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद मिलेगी। राजस्थान में ऑफलाइन मोड पर यह पहला ऐसा सेमिनार है जिसमें 3 राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर मिलकर पर्यावरण, सतत विकास और मानव स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस सेमिनार का मोटिव कोरोना के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखना आवश्यक है। सतत विकास वो अवधारणा है जिसमें हम आज की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें, और मानव स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय सेमिनार में करीब 800 से अधिक पंजीयन पूरे भारतवर्ष से हुए, 5 लोग आउट ऑफ इंडिया के भी थे इसमें। इस पूरे सेमिनार के अंतर्गत हमने करीब 350 रिसर्च पेपर का वाचन किया जिसमें स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य है, पोषण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई है जिनके ऊपर निश्चित रूप से और अधिक काम करने की आवश्यकता है। 2 दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायने पे यूनिक था। छोटे से राजसमंद जैसे ज़िले में इतना बड़ा आयोजन जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्टर किया, बहुत बड़ी संख्या में पत्र वाचन हुआ, और इसके साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की विभूतियों ने इस संगोष्ठी में अपने शोध का हमारे साथ साझा किया। इससे विद्यार्थियों और फैकल्टी के ज्ञानार्जन में काफ़ी उन्नति हुई है, निश्चित रूप से उन्नति हुई है। यहाँ हमने एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट देखा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, ये 3 राजकीय महाविद्यालयों का सामूहिक प्रयास था। ये नवाचार हमने पहली बार राजस्थान में देखा है, और इससे और भी महाविद्यालय प्रेरित होंगे और राजस्थान में शोध का एक नया माहौल जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। सो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी राजसमंद में ऑर्गेनाइज़ की गई, इसमें हमें बहुत सारे बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलने का मौका मिला, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और बहुत से जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एंड जो रिसेंटली अभी जिन टॉपिक्स पर रिसर्च हो रही है उनके बारे में हमें जानने का मौका मिला, जो एज अ रिसर्च स्कॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमें गाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में रिसर्च करनी है एंड किन किन गलतियों का हमें ध्यान रखना है, एंड जो करंट प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनसे हमें समझने का और उनके बारे में जानने का हमें मौका मिला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज छात्र संघ शपथ ग्रहण और कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा नेता मदन सिंह चौहान ने कॉलेज में पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग शिला पट्टिका का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मदन सिंह चौहान ने कॉलेज में आरओ और वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इससे पहले आज उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर भाजपा नेता मदन सिंह चौहान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री गुंजन जाला और भाजपा जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह चौहान की छात्राओं ने पुष्प वर्षा कर आगवानी की। इसके बाद मंच पर अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई उड़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में अतिथियों ने कॉलेज में बोरिंग की शिला पट्टिका का अनावरण किया। परिषद के प्रांत मंत्री गुंजन जाला के नव निर्वाचित अध्यक्ष किरण चौहान और पदाधिकारियों को समारोह में शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष किरण चौहान के दिव्यांग पति भी समारोह में मौजूद रहे, जिनका भी अतिथियों ने माला अर्पण कर और इकलाई ओढ़ा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता भीम सिंह चौहान ने कॉलेज में छात्राओं के लिए गार्डन बनाने की घोषणा की। राजकीय कन्या महाविद्यालय का ABBB का उद्घाटन था, इसमें मैं शामिल हुआ। 3 साल पहले बताया था कि यहाँ पानी की समस्या है, तो मैंने उसी टाइम उनको ट्यूबवेल करवा दी। पानी की टंकी की जो ज़रूरत पड़ी थी, इन्होंने पानी की टंकी के लिए भी कहा, मैंने कहा ये भी हो जाएगा, और बहुत सारी समस्या हैं यहाँ। तो बता रहे हैं कि वाटर कूलर नहीं है, RO नहीं है, तो वो भी मैंने आज कह दिया उनको कि वाटर कूलर भी मैं लगवा दूंगा और RO भी लगवा दूंगा। और हमारे साथ भीम सिंह जी थे, तो भीम सिंह जी ने कहा कि यहाँ गार्डन बनाना है, तो गार्डन तो भीम सिंह जी ने कह दिया मैं बना दूंगा।
और दूसरी इनके इलेक्ट्रिसिटी की बिल भी ज़्यादा आ रहा है, सोलर की ज़रूरत थी। तो ये मैं दिव्या कुमारी जी से, सांसद से बात करूँगा, इनका भी मेरे को विश्वास है कि दिव्या कुमारी जी भी ये काम जरूर करवाएंगे। आज हम यहाँ पर नाथ द्वारा में कन्या महाविद्यालय के छात्रसंघ शपथ ग्रहण में आए और यहाँ से छात्रसंघ अध्यक्ष बहन किरण राठौर जी ने हमें आमंत्रण दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है उससे वो चुनाव का टिकट लेकर जीती हैं, इसलिए मैं ABVP के प्रतिनिधित्व के कारण मुझे यहाँ बुलाया गया और सभी बहनों का उत्साह बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। और आज के कार्यक्रम में जो बहनें हमारी उपस्थित थी हमने उन्हें पूरा समझाने की और हमारी भारतीय संस्कृति में रहने की और बहनों को किस प्रकार इस समाज में सशक्त होने की आवश्यकता है इसके लिए मैंने उन्हें बात कही। एंड दिस और स्वरचित गीत तेरे बिन की सूर लहरियों को जब उदयपुर की वसुधा ने गिटार पर सुरों के साथ अपने सुर छेड़े तो फतेह सागर की लहरों के साथ वहां मौजूद हर एक शख्स उनके गीतों के साथ ही तालियों से उनका साथ देने लगा। वसुधा ने वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल के तहत वेदांता टैलेंट हंट में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया और वे उदयपुर से इस प्रतियोगिता की विजेता रही। उन्होंने प्रस्तुति के बाद इस पल को गौरवमयी बताया और वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल और इसके संयोजक सहर को इस बेहतरीन अवसर और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही राजसमंद से विजेता विनोद ने केसरिया तेरा और मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ गीत को अपने बुलंद सुरों से श्रोताओं तक पहुँचाया तो हर कोई उनके रंग में रंगा नजर आया। शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने बताया कि वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल में शनिवार को सजी संगीत की खरी खरी दोपहरी में दिल्ली की भारतीय और पॉप शैली की कलाकार कामाक्षी खन्ना ने अपने बैंड के साथ इनटू द नाइट, इफ आई कुड मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम और क्यों है तू दूर के साथ अपने गीत तेरे जैसा को अपनी मधुर आवाज में पेश किया तो कलाकारों के साथ वहां मौजूद हर संगीत प्रेमी का दिलों के तार खुद ब खुद छिड़ गए। कामाक्षी ऐसी कलाकार है जिनके संगीत से प्रेरणा मिलती है। सुबह के संगीत उत्सव में इटली के 3000 वर्षों पुराने पारंपरिक वाद्य यंत्र लोनेन दास के साथ ब्रूनो लाई और उनके साथी कलाकार ने प्रस्तुति दी जिसे खूब पसंद किया गया। देखिए फरहान अख्तर के साथ और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, तो फरहान अख्तर तो ऑफकोर्स आए लेकिन कल बहुत ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे देश के। एक तो सृजनी घोष सुबह यहीं पर, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं लेकिन बहुत अच्छा भजन गाती हैं, तो हमने उनको बुलाया है भजन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। और फिर ध्रुव विश्वनाथ हैं, बहुत अच्छे ये एकूस्टिक गिटारिस्ट हैं और हमारे देश के भी नहीं विश्व के अब बहुत अच्छे एकूस्टिक गिटारिस्ट हो रहे हैं, सो वो भी आएंगे। और फरहान अख्तर तो है ही जो अपने रॉक ऑन के जलवे दिखाएंगे यहाँ। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। निलंबित हुए ASI रामेश्वर मीणा फिर बहाल, जांच में सभी तथ्य मिले ASI मीणा के पक्ष में। सुदर्शन सिंह रावत की जिद के बाद किया गया सस्पेंड। पुलिस के 3 जवानों को समाज का तुगलकी फरमान, हुक्का पानी किया बंद, शिकायत पर समाज पदाधिकारियों पर किया मुकदमा दर्ज। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सवीना सब्सिडी सेंटर स्थित नाले में मिला भ्रूण, क्षेत्र में फैली सनसनी, मामला हुआ दर्ज। जुआ सट्टा खेलते सटोरियों को साइफन चौराहे से किया गिरफ्तार, सटोरियों के विरुद्ध चल रहा अभियान, चौराहे से फतेहपुरा तक पुलिस ने निकाला सटोरियों का जुलूस। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल का दूसरा दिन
मांझी के घाट और फतेह सागर की पाल पर भारतीय पॉप और फ्यूजन बैंड ने मचाई धूम। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।